तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और यार, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, ये एक्चुअली में अपने यूनिवर्सिटी में एज ए शॉर्ट नोट में आ जाता है। तो आज के अपन इस वीडियो में इस पूरे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जो है लिगामेंट देखेंगे। ये एक्चुअली में अपनी पार्ट वन वीडियो है। देन अपन इसकी पार्ट टू वीडियो में इसके सारे रिलेशन और इसके मूवमेंट देखेंगे। और उसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो बिल्कुल आप जो है मेरी दोनों वीडियो पूरी देखना। तो अपन आज का वीडियो अपन शुरू करते हैं। तो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। टेम्पोरो का मतलब यहाँ पे है टेम्पोरल बोन, और मैंडिबुलर से यहाँ पे है मैंडिबल। तो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये अपना टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के बीच में प्रेजेंट रहता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं 3D मॉडल में, तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा ये है अपना टेम्पोरल बोन, और इसी टेम्पोरल बोन में ये अपना है मैंडिबल। तो ये जो मैंडिबल बोन है ना अपनी, वो अपने इसी टेम्पोरल बोन में अपनी यहाँ पे फिट हो रही है और आपका एक जॉइंट बना रही है, उससे ही अपन बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो वहीं अगर अपन अब इस टाइप की बात करें, तो ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो है, ये अपना एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट है ऑफ कॉन्डाइलर वेराइटी। अगर मैं इस कॉन्डाइलर वेराइटी को समझाऊं, तो आपको इस मैंडिबल बोन को सेपरेटली देखना पड़ेगा। तो ये अपनी है मैंडिबल बोन, और मैंडिबल बोन में एक अपना रहता है यहाँ पे कॉन्डाइलर प्रोसेस, और एक इस तरफ अपनी रहती है कोरोनॉइड प्रोसेस। तो होता क्या है, ये जो कॉन्डाइलर प्रोसेस है ना मैंडिबल बोन की, वो अपना टेम्पोरल बोन में जाके कुछ फिट हो जाती है कुछ इस तरीके से, और अपनी बना लेती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो क्योंकि यहाँ पे अपनी मैंडिबल बोन की कॉन्डाइल जो है इस टेम्पोरल बोन में फिट हो रही है, तो इसलिए ये जॉइंट अपना है कॉन्डाइलर वेराइटी का, क्योंकि इसमें कॉन्डाइल आर्टिकुलेट कर रही है। देन अब अपन इसका देखते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो यार, इसका आर्टिकुलेटिंग सरफेस तो आपको बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है। अपर में इसमें अपनी है टेम्पोरल बोन। अगर इस टेम्पोरल बोन को फर्दर और मैं आपको डिटेल में दिखाऊं, तो आपको यहां पे दिखेगा ये जो टेम्पोरल बोन है ना, उसमें नीचे की तरफ आपको यहां पे एक फोसा दिख रहा है। दिख रहा है ये वाला फोसा? उस फोसा को अपन बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा। और ये जो मैंडिबुलर फोसा है ना, इसी फोसा में अपना, मानो ये मैंडिबल का हेड है, तो मैंडिबल का हेड जो है इस तरीके से आर्टिकुलेट कर लेता है। तो इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस में अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस अपना बना रहा है टेम्पोरल बोन, और टेम्पोरल बोन के भी तीन पार्ट, एक बीच में इसमें जो फोसा है ना, उसे अपन बोलेंगे मैंडिबुलर फोसा। देन इस मैंडिबुलर फोसा के जस्ट इंटीरियर में आपको ये जो एलिवेशन दिख रहा है ना बोन में, इसे अपन बोलते हैं आर्टिकुलर ट्यूबरकल। तो इसमें जो ये आर्टिकुलर ट्यूबरकल है ना, वो भी अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाने में मदद करता है। और पीछे की तरफ ये जो अपना मैंडिबुलर फोसा है, उसके पीछे की तरफ ये वाला जो पार्ट है ना अपना टेम्पोरल बोन का, उसे अपन बोलते हैं टिम्पैनिक प्लेट। तो ये टिम्पैनिक प्लेट भी अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनवाता है। तो कुल मिला के अपना ये जो टेम्पोरल बोन है ना, उसके तीन स्ट्रक्चर, एक आर्टिकुलेटिंग ट्यूबरकल जो कि ये है, देन इसका एक मेन पार्ट वो है मैंडिबुलर फोसा, और फिर अपना है टिम्पैनिक प्लेट ये वाला हिस्सा। ये तीनों के तीनों जो है इसकी बनाती है अपर आर्टिकुलेटिंग सरफेस। देन नीचे इन्फीरियर में, तो आपको पता ही है वही अपना मैंडिबल का हेड आता है। अगर मैं वापस लाऊं आपको कुछ इस तरीके से, तो अपना ये जो मैंडिबुलर फोसा है ना, उसमें अपना ये मैंडिबल का हेड जो है इस तरीके से आर्टिकुलेट कर जाता है, और अपना बना लेता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो आपको इसको अच्छे तरीके से आर्टिकुलेटिंग सरफेस समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं इसके लिगामेंट के ऊपर। तो कुल मिला के इसके अंदर जो है चार लिगामेंट होते हैं। एक इसका होता है फाइब्रस कैप्सूल। अब जाहिर सी बात है, साइनोवियल जॉइंट है तो फाइब्रस कैप्सूल तो होता ही है, जो पूरे जॉइंट को कवर करता है। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ आपको, तो ये जो मैंने आपको हाईलाइट करा ना पूरा कैप्सूल, तो यही है अपना यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल या फिर फाइब्रस कैप्सूल। उसके अलावा यहाँ पे एक अपना लिगामेंट है, वो है लेटरल
टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। और यार इसका नाम बिल्कुल आपको नाम से ही इसकी लोकेशन आपको याद हो जाएगी सारी अटैचमेंट कि ये अपना प्रेजेंट है टेम्पोरो मतलब टेम्पोरल बोन और मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के बीच में, टेम्पोरल और मैंडिबल के बीच में लिगामेंट अपने टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के बीच में है और वो है लेटरल। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये लिगामेंट दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट करूँ इसे, तो इसे ही अपन बोलते हैं लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये जो दो लिगामेंट जो है ये एक्चुअली में अपने दो मेन लिगामेंट्स हैं। देन इन दो लिगामेंट्स के अलावा भी यहाँ पे दो और लिगामेंट होते हैं लेकिन वो अपने एसेसरी लिगामेंट हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पीछे की तरफ एक ये लिगामेंट दिखेगा, इस लिगामेंट को अपन बोलते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, क्योंकि ये अपना स्टाइलॉइड प्रोसेस से लेकर अपने मैंडिबल के बीच में है, एक है अपना स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। देन इस स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक और लिगामेंट प्रेजेंट है, ये आपको दिख पा रहा होगा अब यहाँ पे, उसे अपन बोलते हैं स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, क्योंकि वो एक तरफ से अपनी ये स्पिनोइड बोन है, स्पिनोइड बोन से अटैच है और दूसरी साइड से अपने इस मैंडिबल बोन पे अटैच है। तो कुल मिला के आपको यहाँ पे चार लिगामेंट देखने थे, तो अब अपन इन चारों लिगामेंट को फर्दर और डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें फाइब्रस कैप्सूल, तो आपको सिर्फ लिगामेंट में यहाँ सिर्फ अटैचमेंट ही देखना रहता है। तो फाइब्रस कैप्सूल का अगर मैं आपको अटैचमेंट दिखाऊं तो आपको इस पूरे 3D मॉडल से ही इसका अटैचमेंट दिख जाएगा, मैं सेपरेट ही करता हूं चलो आपके लिए पूरा। देन अब आप देखिए, तो इसका अटैचमेंट देखें अवव में, तो अवव में ये जो कैप्सूल है वो सबसे पहले अपना ये जो आर्टिकुलर ट्यूबरकल था ना, इस आर्टिकुलर ट्यूबरकल पे इसका अटैचमेंट है। देन ये जो पूरा स्पिनो मैंडिबुलर फोसा था, तो और फिर ये अपना पूरा ये जो मैंडिबुलर फोसा था, इस मैंडिबुलर फोसा पे इसका अटैचमेंट हो रहा है। और नीचे की तरफ अगर अपन बिलो में आए तो नीचे आपको दिख पा रहा है ये मैंडिबल बोन का नेक है, तो ये मैंडिबल बोन के नेक पे अटैच है। उसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ये जो फाइब्रस कैप्सूल है वो एक्चुअली में अपना जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है ना उससे लाइंड है। तो जाहिर सी बात है अब ये साइनोवियल जॉइंट है, तो साइनोवियल जॉइंट का जो फाइबर्स कैप्सूल रहता है वो अपन मेनली साइनोवियल मेम्ब्रेन से ही लाइन रहता है, ये अपन को पहले से ही पता है। फिर अपन देखते हैं इसका ये वाला लिगामेंट जो कि है लेटरल टेम्पोरो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो अगर अपन ये देखें तो ये लिगामेंट जो है वो अवव में अपना अटैच है टेम्पोरल बोन से, और टेम्पोरल बोन में भी टेम्पोरल बोन के इस आर्टिकुलर ट्यूबरकल पे, ये दिख पा रहा है, और नीचे की तरफ वो अपना अटैच है मैंडिबल के नेक पे। और मेनली ये जो लेटरल टेम्पोरो लिगामेंट, और ये मेनली ये जो लेटरल लिगामेंट जो है वो क्या करता है, जो अपना जॉइंट कैप्सूल है ना, इस जॉइंट कैप्सूल को लेटरली पार्ट से स्ट्रेंथ करने का काम करता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फिर अपन देखते हैं ये स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट, तो इसको यार थोड़ा डीपली मुझे जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, ये कुछ यहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो आपको दिख रहा है ना लिगामेंट, ये अपना है स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये भी लिगामेंट अगर मैं आपको इस क्रॉस सेक्शन में दिखाऊं नीचे से तो आपको पूरा अच्छे से दिख पा रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, तो ये एक साइड से सुपीरियरली ये अपना स्पिनोइड बोन की स्पाइन से अटैच है, और नीचे की तरफ इन्फीरियर में ये अपना अटैच है मैंडिबुलर फोरामेन के जस्ट ऊपर एक जगह होती है, उसे अपन बोलते हैं लिंगुला, लिंगुला ऑफ मैंडिबुलर फोरामेन। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं ये मैंडिबल बोन का, ये है मैंडिबुलर फोरामेन, और उसके जस्ट अबव में अपना स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट अटैच है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये अपना मेन लिगामेंट नहीं है, ये अपना एक एसेसरी लिगामेंट है। उसके अलावा ये लिगामेंट किस तरीके से बनता है, तो एक्चुअली में ये जो लिगामेंट है ना वो आपका रेमिनेंट होता है एक कार्टिलेज का, उसे अपन बोलते हैं मिकेल कार्टिलेज। कार्टिलेज है ना ये अपने सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही प्रेजेंट रहती है, जब अपन अडल्ट हो जाते हैं तो ये कार्टिलेज जो है अपनी प्रेजेंट नहीं रहती। तो ये जो स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट जो है ये एक्चुअली में अपना रेमिनेंट होता है मिकेल कार्टिलेज का। फिर अपन आते हैं स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट पे,
तो मैं फिर से लाता हूँ आपके लिए, ये देखिए। तो ये है अपना स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट, और इसके अटैचमेंट तो अपन को याद ही है। अब आपसे ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से अटैच है, और नीचे की तरफ ये अपना मैंडिबल बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर पर अटैच होता है। फिर मैं आपको बताऊं, ये भी अपना एसेसरी लिगामेंट है। देन ये स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट कैसे फॉर्म होता है, तो अपने यहाँ पे प्रेजेंट रहती है डीप सर्वाइकल फेशिया। देन ये जो डीप सर्वाइकल फेशिया जो है, उसी के थिकनिंग से अपना बन जाता है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये वाला पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना दोनों में, एक तो स्टाइलो मैंडिबुलर, एक तो स्पिनो मैंडिबुलर लिगामेंट किसका रेमिनेंट है, और अपना स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट किससे बन रहा है। तो ये अपन ने सारे लिगामेंट अच्छे से डिटेल में देख लिए। देन अब अपन देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, वो है इसकी आर्टिकुलेटिंग डिस्क। तो यार अब एक्चुअली में क्या होता है, इसको दिखाने के लिए ना मुझे तुम्हें ये वाला डायग्राम दिखाना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या है और अच्छे से ये वाले पॉइंट समझ में आएंगे। ये जो अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, उसके दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में एक अपनी इस तरीके से पूरी डिस्क प्रेजेंट होती है, उसे अपन बोलते हैं आर्टिकुलेटिंग डिस्क। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अपना मैंडिबल बोन का हेड है, और ये है अपना टेम्पोरल बोन। ये दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में इस तरीके से एक डिस्क प्रेजेंट है। तो डिस्क है ना, ये एक्चुअली में अपनी प्रीडोमिनेंटली फाइब्रस डिस्क है। और मेनली ये प्रेजेंट क्यों होती है, इसका फंक्शन क्या है? तो ये जो डिस्क है वो अपना इन दोनों आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में एक तो आपका फ्रिक्शन कम करवाने में मदद करती है, ऊपर से शॉक एब्जॉर्प्शन भी करती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क है। और ये अगर आप देखो एक तरीके से, तो ये अपना इस जॉइंट के अंदर प्रेजेंट है। इसके कारण हो क्या रहा है, ये जो अपना जॉइंट है ना, ये दो कंपार्टमेंट में डिवाइड हो रहा है। एक इसका अपर कंपार्टमेंट जो कि इस आर्टिकुलेटिंग डिस्क के ऊपर प्रेजेंट है, और एक इसका लोअर कंपार्टमेंट जो कि आर्टिकुलेटिंग डिस्क के नीचे की तरफ है। तो अपन ने अभी क्या देखा कि ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट था, उसके अंदर एक अपनी डिस्क प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं आर्टिकुलर डिस्क, और वो मेनली अपना फ्रिक्शन कम करवाने का काम करती है। फिर आप बोलोगे सर ये डिस्क एक्चुअली में बनी कैसे, तो यार मैं आपको बताऊं, ये जो अपना मैंडिबल बोन है ना, उसका जो हेड है उससे एक्चुअली में अपनी एक मसल अटैच होती है, उस मसल को अपन बोलते हैं लेटरल टेरिगॉइड मसल। तो ये जो लेटरल टेरिगॉइड मसल का क्या होता है, टेंडन जो है वो इस जॉइंट के अंदर चला जाता है और बाद में डीजनरेट हो जाता है, लेकिन उसी का जो रेमिनेंट रहता है ना, डीजनरेट टेंडन का रेमिनेंट, उसी को फिर अपन बोलने लगते हैं आर्टिकुलर डिस्क। तो ये कुछ इस तरीके से अपनी प्रेजेंट है आर्टिकुलर डिस्क। देन अब अपन देखते हैं इस आर्टिकुलर डिस्क को फर्दर और डिटेल में, इसकी एनाटमी। तो ये जो आर्टिकुलर डिस्क है ना, तो मेनली इसके अंदर अपने प्रेजेंट रहते हैं दो बैंड्स। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक है इसका इंटीरियर बैंड, और फिर है इसका एक पोस्टीरियर बैंड। तो इस डिस्क का एक होता है इंटीरियर बैंड और एक होता है पोस्टीरियर बैंड, और इसके इंटीरियर बैंड से एक इसका फर्दर एक आगे पार्ट जाता है, उससे अपन बोलते हैं इंटीरियर एक्सटेंशन। फिर इंटीरियर बैंड से मिडल बैंड तक बीच में एक इसका पार्ट है, उसे अपन बोलेंगे इंटरमीडिएट जोन, और देन इसका एक पीछे वाला पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट। और आप इसका पोस्टीरियर पार्ट देखो ना, तो वो एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो अपनी डिस्क है ना वो पीछे की तरफ आती है, और पीछे की तरफ ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है, आपका बना लेती है बाइलेमिनर रीजन। तो ये जो आर्टिकुलर डिस्क है, इसका आप कंपोजिशन अच्छे से याद कर लेना। पहले इसमें होता है इंटीरियर एक्सटेंशन, देन इसमें आता है इंटीरियर बैंड, फिर इसमें आता है इंटरमीडिएट जोन, देन फिर अपना आता है पोस्टीरियर बैंड, फिर अपना इसमें होता है बाइलेमिनर रीजन। और मैंने आपको बता ही दिया था ये जो डिस्क है वो एक्चुअली में अपना रिप्रेजेंट करती है डीजनरेटेड प्रिमिटिव इंसर्शन ऑफ लेटरल टेरिगॉइड। ये जो लेटरल टेरिगॉइड है ना उसी का डीजनरेटेड प्रिमिटिव इंसर्शन को ये रिप्रेजेंट करती है।
फिर अपन ने इसके फंक्शन भी देख लिए थे, ये मेनली अपना फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रही थी, शॉक एब्जॉर्प्शन भी कर रही थी, उसके अलावा इस बैंड में अपने प्रेजेंट होते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर। अभी जो प्रोप्रियो रिसेप्टर है ना, वो मेनली अपना बैलेंस बनवाने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये अपना जो है अपने जॉइंट की मूवमेंट को रेगुलेट करने में भी मदद कर रही है। तो यार ये मैंने आपको पूरा बता दिया अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और ये थी अपनी इसकी पार्ट वन वीडियो जिसके अंदर अपन ने इसके सारे लिगामेंट्स देखे। देन अब आप इसकी पार्ट टू वीडियो देखो जिसके अंदर अपन जो है इस जॉइंट के सारे रिलेशन देखेंगे, और उसी वीडियो में मैं मेरे इस पार्ट वन के नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार बिल्कुल उस पार्ट टू वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, लिंक बिल्कुल आपको यहाँ कोने में आई बटन पे है, तो फटाक से वहाँ पे जाओ और इस टॉपिक को बिल्कुल आज ख़त्म कर दो।